आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है शेफ शाकिरा में। आज हम बनाने जा रहे हैं राइस पेपर स्प्रिंग रोल्स, जिसके लिए हमें चाहिए रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम जो मैंने बारीक पतले लंबे लंबे काट के रख दिए हैं, ककुम्बर, स्लाइस्ड अनियंस, कैरेट्स, बीन्स, चिकन जो मैंने लंबी स्लाइस करके रख दी है, राइस पेपर्स। ये हमें किसी भी स्टोर में या मॉल में मिल सकते हैं आसानी से। लेट्यूस, पुदीना और हरा धनिया, और ड्रेसिंग के लिए हनी, ऑलिव ऑयल, लाइम एंड सॉल्ट एंड पेपर। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने गैस ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम एक स्पून ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें हम ये चिकन जो हम मैंने लंबी पतली स्लाइस करके रखी है उसे पकाएंगे। ये हमारी चिकन जब तक हो रही है हम डिप तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक टेबलस्पून हनी, एक चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा लाइम, सॉल्ट थोड़ा सा, ये पेपर, सॉल्ट, पेपर, हनी, ऑलिव ऑयल एंड लाइम जूस। ये हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। हमारी चिकन अब हो चुकी है, इसमें हल्का सा कलर, ब्राउन कलर आ चुका है। हमारी चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल देते हैं। चिकन होने के बाद हम अपने बीन्स भी सॉटे कर देंगे। इसे 5 मिनट ढक के रख देते हैं जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। ये हमारे बीन्स भी सॉटे हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं और हमारे स्प्रिंग रोल को असेंबल करते हैं। ये है हमारे राइस पेपर, इसे हम अभी वार्म वाटर में डिप करेंगे। ये वार्म वाटर में सिर्फ एक बार डिप करने के बाद हम इसे निकाल देते हैं ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले हम इसमें रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, थोड़ी कटी हुई लंबी खीरा ककड़ी, लंबे कटे हुए प्याज, लंबी कटी हुई गाजर, बीन्स, अब ये हमारी चिकन जो हमने पका के रखी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन की जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं इसमें। हमने ये जो ड्रेसिंग बनाई थी हनी, लाइम और ऑलिव ऑयल की, वो हम इस पर डाल देते हैं अभी। पुदीना और हरा धनिया और ये लेट्यूस लीव्स, इसको हम हाथ से ही श्रेड करके डाल देते हैं। अब हम इसे धीरे से फोल्ड करते हैं। स्प्रिंग रोल को अच्छी तरह टाइटली फोल्ड करते हैं, साइड से इस तरह बंद कर देते हैं। इसे अच्छे से सिलेंडर शेप देना है। टाइटली हमने रोल कर दिया है। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां, चिकन, सब चीज़ विजिबल है। इसी तरह हम दूसरे रोल भी बना लेते हैं। हमारे राइस स्प्रिंग रोल बन के तैयार है। आप इसे किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल शेफ़ शाकिरा सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।